नमस्कार, एम्पी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। वन विभाग द्वारा स्कूली बच्चों में प्रकृति, वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने इस वर्ष भी 15 दिसंबर से अनुभूति कैंप का आयोजन किया गया। कान्हा टाइगर रिजर्व में 15 दिसंबर से 20 दिसंबर और 5 जनवरी से 11 जनवरी 2019 तक होने वाले अनुभूति कैंप में 35 विद्यालयों के 760 विद्यार्थी और 44 अध्यापक भाग ले रहे हैं। चयनित छात्र छात्राओं को कैंप के दौरान पार्क भ्रमण और प्रकृति पथ भ्रमण के माध्यम से वन वन्य प्राणियों, पक्षियों और पेड़ पौधों की प्रकृति, नाम, व्यवहार और उपयोगिता की जानकारी दी जाएगी। अनुभूति कार्यक्रम कान्हा टाइगर रिजर्व के मुक्की, सरही और खटिया पर्यटन गेट से आयोजित किए जाएंगे। शिवपुरी में समावेशी शिक्षा अंतर्गत दिव्यांग और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के चिकित्सीय मूल्यांकन शिविरों का आयोजन 17 दिसंबर से 22 दिसंबर 2018 तक भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण जबलपुर और स्थानीय चिकित्सा विशेषज्ञों के सहयोग से किया जाना है। इन शिविरों में समस्त शासकीय और अशासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालयों के CWUSN बच्चे सम्मिलित होंगे। ऐसे CWUSN बच्चे भी सम्मिलित हो सकेंगे जिन्हें उपकरण मिलने के बाद शाला में प्रवेश दिया जा सकता है। मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाना है। आयोग द्वारा इसका कार्यक्रम जारी कर तिथि निर्धारित कर दी है। पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं और नाम में संशोधन करवा सकते हैं। ऐसे नागरिक जो 1 जनवरी 2019 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वे युवा भी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जारी कार्यक्रम के अनुसार 26 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जाएगा और 26 दिसंबर 2018 से 25 जनवरी 2019 तक दावे आपत्तियां ली जाएंगी। 16 दिसंबर को विजय दिवस के अवसर पर जिला सैनिक बोर्ड और भोपाल एक्स सर्विसेज लीग द्वारा संयुक्त रूप से शौर्य स्मारक में दोपहर 3:30 बजे से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 1971 के युद्ध में शामिल सैनिक कर्मियों का सम्मान भी किया जाएगा। गौरतलब है कि 1971 में हुए भारत पाक युद्ध में भारत ने 16 दिसंबर को ही विजय हासिल की थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार।